हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज है फ्रेंड्स 13 अक्टूबर और है शनिवार। चलिए देखते हैं जो आज का दैनिक जागरण का एनालिसिस। उससे पहले फ्रेंड्स, जो हम डेली का मोटिवेशन कोटा वो देख लीजिए। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो गया, अगर आप उस गलत को मतलब कि देख लीजिए, मैं इसको सभी जो एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम की तरफ ले जाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई एक एग्जाम बुरा हो गया, अब आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, यार ये मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ये मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। तो शायद जब नेक्स्ट एग्जाम होने वाला होगा, शायद कोई नेक्स्ट एग्जाम है, तो फिर वो भी बुरा हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो हो गया सो हो गया, उस पल को वहीं छोड़ दीजिए कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट तैयारी में लग जाइए ताकि आपका नेक्स्ट एग्जाम अच्छे से हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कैपिटल एंड करेंसी ऑफ लाइबेरिया। तो जिसकी कैपिटल है वो है मोनरोविया और जो करेंसी है वो लाइबेरियन डॉलर है। चलिए फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी काफ़ी बच्चों ने कि सर टारगेट यूपीएससी कंप्लीट डिटेल बता दीजिए हमें, उसमें बुक्स कौन कौन सी लगनी है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज क्या है। और मैं आपको सारे जो क्लास नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। वो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप लोग फिर उस लिंक से जाकर वो सारे डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख लीजिए, जो डेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली के अंदर। आनंद मठ के रचयिता कौन है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको पता है। और ये आप क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम के अंदर। भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? असम के अंदर। नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर स्थित है? देहरादून। देहरादून कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तराखंड, याद रखिए। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है कब मिला था, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। पहले भी कई बार पूछ चुका हूँ, इसका आंसर जरूर दीजिए। और फ्रेंड्स, एक और बात है, आप एक दूसरे के कमेंट्स रिव्यू करते रह कीजिए। काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही आंसर देते हैं और काफ़ी बच्चे अलग अलग व्यूज़ रखते हैं, तो वो व्यूज़ आप इकट्ठे करते रह कीजिए। अगर आप एक दूसरे के आंसर पढ़ेंगे तो आपके व्यूज़ जो बढ़ते जाएंगे। मतलब आप लोग जैसे आपके माइंड में सिर्फ दो ही व्यूज़ हैं, दो किसी और ने दे दिए, एक किसी और ने दे दिया, तो टोटल पाँच हो गए। पाँच में से अगर आप एग्जाम के अंदर तीन लिख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक दूसरे के आंसर रिव्यू किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए। जो मैं पूछता हूँ वो नीचे जरूर लिखा कीजिए। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, लेकिन कभी ना कभी तो वो ठीक भी होगा। तो गलत सही मत सोचा कीजिए कि मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन आंसर जरूर किया कीजिए। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू की गई? 1984 में। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर, जिसको बोलते हैं यूनेस्को प्रांत के नेशनल पार्क में, तो ये याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे सीबीएसई का मुख्यालय आनंद मठ के लिए, तो ये मान लीजिए ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये सेवन्थ भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं सात क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको तीन क्वेश्चन तो करंट अफेयर के मिल जाएंगे, चार स्टैटिक जीके के। ऐसे ही फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस ये जो मैं डेली लेकर आता हूँ, सात दस कई बार बारह भी हो जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो सितंबर मंथ के अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े, तो मैं सारे जो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और बेसिक साइंस के क्वेश्चन मैंने सारे एक ही वीडियो के अंदर डाल दिए हैं। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सभी मंथ्स की ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं फिर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मी टू पर एक्शन में आई सरकार। आपको पता है कि हैश मी टू चल रहा है, उस कैंपेन चल रहा है कि वुमेन्स के साथ, जिन जिन वुमेन के साथ कुछ गलत हुआ, यौन उत्पीड़न हुआ है, उन महिलाओं को सामने आना चाहिए और उनके सामने आने का क्या कारण है, ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो। और फ्रेंड्स, दूसरी एक और बात है, अगर आपके साथ कभी भी, मान लीजिए लाइफ में किसी के साथ कभी छेड़छाड़ हो जाए या कुछ गलत हो जाए, तो वो सारी उम्र भर वो याद रहता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ था और गुनहगार आज भी खुला घूम रहा है, तो ये उसके मन में एक बोझ सा हो जाता है। तो जब ये मी टू आया होगा तभी क्या ये बोझ हल्का कर दीजिए। बहुत सारी महिलाओं में अभी तक हिम्मत नहीं आ पा रही है, तो इसके लिए जो मंत्रालय की साइट पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग बोल के बताइए, आप लोग यहाँ पर मंत्रालय की साइट है वहाँ पर जाकर ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर मतलब कि एक मी टू है और एक है शी टू, तो ये दो चीज़ें हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग वेबसाइट के अंदर ये दर्ज करवा सकते हैं। और अभी क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये इस तरह के मामले सामने आएंगे तो भी इसके लिए क्या है, आपको जजेस की जरूरत पड़ेगी। अब पहले आपको पता है कि लोड बहुत ज़्यादा है हमारे जो कोर्ट्स पर, तो भी क्या है, इसकी सुनवाई के लिए जो रिटायर्ड चार जज, रिटायर्ड जज और एक वरिष्ठ वकील रिटायर्ड, इन पाँच की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी ज्वाइंट कमेटी होगी, जो एक एक्शन लेगी इस पर, जो कार्रवाई करेगी। तो यह शायद एक अच्छा रास्ता है और इसके अंदर एक न्याय मित्र होगा, न्याय मित्र एक वकील होगा, सरकारी वकील, याद रखिए।
और फ्रेंड्स जो इसके यौन उत्पीड़न पर जीरो टॉलरेंस वाला है रुख, मतलब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और अलग लोग सुनवाई नहीं की जाएगी, जैसे कि सभी के एप्लीकेशंस ले ली जाएंगे। अब एप्लीकेशंस ये पढ़े जाएंगे सारे, ये जो जज हैं ये कमेटी है पूरी एप्लीकेशन पढ़ेगी, उस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद उस दूसरे दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, तो अगर वो सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो गुनहगार है तो फिर उनको सजा सुनाई जाएगी या जो फाइन करना है जो भी होगा वो कमेटी डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि वो अपना वकील लेकर आएगा या अपना वकील लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को खड़ा करके आपस में बात कर ली जाएगी कि हाँ आपने उस दिन मेरे साथ ये गलत किया था। अगर बंदा कि नहीं किया था तो फिर मतलब कि इसमें यह भी कहा है कि कोई महिला झूठा आरोप क्यों लगाएगी, क्योंकि उसको पता है पूरा देश देख रहा है, सभी उसकी बदनामी का भी तो डर है उसे, तो इसलिए कोई महिला अपनी खुद की इंसल्ट इस वजह से नहीं करेगी किसी को सजा दिलवाने के लिए या किसी का कैरियर खराब करने के लिए। तो जो महिलाएं सामने आ रही हैं वो सच्ची हैं, वो इन्होंने कहा है मेनका गांधी ने। चलिए इसके बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। आपका क्या विचार है कि सुनवाई होनी चाहिए इस तरह से या नहीं होनी चाहिए, इस तरह से एक अलग से कमेटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या फिर जितनी भी महिलाएं आएंगी वो सच्ची होंगी या कुछ झूठी महिलाएं भी कुछ झूठे केस भी दायर कर सकती हैं, तो आप लोग मुझे जरूर बताइए कि नहीं सर कुछ झूठी महिलाएं भी हैं कि किसी का करियर खराब करने के लिए कुछ महिलाएं झूठ बोलकर भी ऐसा कर सकती हैं, तो आप बताइए कि आपके क्या विचार हैं। और नेक्स्ट है महंगे कच्चे तेल का विकल्प खोजने में जुटी है सरकार, ये भी अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा, ये आगे एडिटोर लाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए जल प्रबंधन, गांव गंगा व अन्य दर्जन भर नदियों के लिए रिवर बेसिन अथॉरिटी 2018, अभी ये नया एक्ट आने वाला है, अभी जो हमारा विंटर सेशन है विंटर सेशन के अंदर। चलिए फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है कि टोटल कितने सत्र होते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है जो हमारा संसद उसके कितने सत्र होते हैं, एक दो तीन, और जो अगर तीन है तो वो कौन कौन से, अगर दो है तो वो कौन कौन से। अभी जो हमारा विंटर सेशन है जो शीतकाल सत्र उसमें ये जो रिवर बेसिन अथॉरिटी 2018 ये मैनेजमेंट बिल पास होने जा रहा है, वहाँ पर ये पेश किया जाएगा। अगर पास हो जाता है तो फिर क्या है कि जितनी भी रिवर्स हैं उस पर जो उनकी अथॉरिटी है, जो मतलब रिवर्स है उनको गंदा किया जा रहा है, उनकी सफाई का बात की जा रही है कि उनको साफ़ किया जाएगा। दूसरा आपको पता है कि हर एक रिवर के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स जैसे कि ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी, कावेरी, माही, नर्मदा, ये सारी नदियाँ क्या है इन पर डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब डिस्प्यूट कोई ना कोई इनके जो पानी के बंटवारे को लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है, कभी दो राज्यों में तो कभी तीन स्टेट्स के अंदर, कभी दो स्टेट एक साइड है तो एक स्टेट एक साइड है, तो बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। इन सभी झगड़ों को खत्म करने के लिए जो रिवर बेसिन अथॉरिटी सामने आ रहा है, और इसमें क्या बात की जा रही है कि अगर ये विंटर सेशन के अंदर पास हो जाता है तो फिर इसको जल्दी से लागू कर दिया जाएगा। लागू करने के बाद जो जल प्रबंधन बेहतर से हो पाएगा, बेहतर अच्छे से हो पाएगा, उसकी सफाई पर भी, नदियों की सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं रिवर बेसिन अथॉरिटी आने से कुछ होगा बदलाव या नहीं होगा, या फिर नदियों में जो नदियों के ये डिस्प्यूट सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपके मन में कोई विचार है, आपके माइंड में कोई विचार है तो नीचे जरूर पेश कीजिए, अभी ये आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, एडिटोरियल में भी आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, हाई कोर्ट ने खारिज किया केजरीवाल सरकार का फैसला। फ्रेंड्स ये फैसला बहुत गलत है, हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है, मैं इस हाई कोर्ट के साथ हूँ। अभी क्या है, दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल है GTB, तो उस हॉस्पिटल में इसमें क्या कहा है, केजरीवाल ने क्या कहा था कि इस हॉस्पिटल के अंदर प्राथमिकता मतलब पहले उपचार किसका होगा, दिल्ली वालों का, बाद में बाहर से जो आएंगे उनका उपचार होगा। तो यार जब भारत के अंदर है सभी लोगों को, ये तो फिर वही बात होगी कि गुजरात में से यूपी और बिहार वालों को बाहर निकाला जा रहा है, तो यार भारत के अंदर है सभी हम भारतीय हैं, अब जिसको इलाज की जरूरत पहले है अगर उसका इलाज पहले हो जाए तो ये इससे बेहतर क्या है कि यार एक बंदा तो मर रहा है और दूसरा बंदा है उसके पास दो तीन दिन का समय है, तो पहले जो मर रहा है उसको बचाना चाहिए या पहले जिसका दो तीन दिन का समय है वो। इसमें क्या कहा था जो केजरीवाल ने कि जो दिल्ली के अंदर से लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं उनका इलाज पहले किया जाए, बाकियों का इलाज बाद में किया, जो बाहर से आ रहे हैं मरीज उनका इलाज बाद में किया जाए, तो ये बहुत गलत है, हाईकोर्ट ने इसका फैसला खारिज कर दिया दिल्ली सरकार का। तो देख लीजिए केजरीवाल काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली से ये जीत कर रहे हैं, मतलब ये इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहा केजरीवाल, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जो भी है बस अपनी पार्टी अपनी सत्ता अपनी पावर बचाने में लगा हुआ है, कोई मतलब इंसानियत के नाते तो वो काम कर ही नहीं रहा। और क्या है, आज से बाहरी मरीजों पर बंदिश बंद, तो पहले क्या था बाहर से जो मरीज आए थे उन पर बंदिश लगाई जा रही थी कि आप इतने से इतने दिन इलाज करवा सकते हैं, उससे पहले दिल्ली वालों को इलाज होगा, तो कितनी गलत, ये लंबी लाइन लगी हुई, दिल्ली वालों को अलग खड़ा किया जाता है और बाहर से आने वालों को अलग खड़ा किया जाता है, तो ये कितनी गलत चीज़ है यार। भारत के अंदर सभी को बराबरी का हक होना चाहिए, भारत के अंदर जो भी चीज़ें जो भी प्रॉपर्टी है वो भारत के सभी लोगों की है, ना कि किसी सरकार की, ना दिल्ली, ना यूपी, ना हरियाणा, ना पंजाब। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अभी ये मिसाल है, 30 गांवों के 5000 किसानों की पराली से बन रही है बिजली, तो आपको पता है कि ये पराली की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और आए दिन एक नया सोल्यूशन आता है। अगर एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम के अंदर मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए पराली से रिलेटेड कि पराली की समस्या को किस तरह से दूर किया जा सकता है, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, अपनी तरफ से एक सिंगल पॉइंट भी नहीं लिखना। अभी मैंने आपको पराली से रिलेटेड
विदिन ए वीक, मेरे हिसाब से पिछले 7 दिनों में मैंने पराली के बारे में बहुत डिस्कस किया है। पराली जो धान को, धान निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको पराली बोलते हैं। इसके बारे में मैं डेली आपको तीन चार मतलब सोल्यूशन देता हूँ। तो अगर आप ये तीन चार सोल्यूशन लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे कि ये सभी सोल्यूशन अभी हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अभी इनको, इन पर काम किया जा रहा है और अभी ये लागू किए गए हैं, लेकिन ये बड़े स्केल पर नहीं लागू किए, अगर जब ये बड़े स्केल पर लागू हो जाएंगे तो पराली की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आपको जो 20 में से 13-14 नंबर तो फ्रेंड्स ऐसे ही मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि आपने सिर्फ एनालिसिस सुना है और आपने मेरी बात मान ली कि हाँ ये जो चीजें इसको याद रखिए, भूलना नहीं है। और अगर फ्रेंड्स आप लोग भूल जाते हैं तो जैसे कि दैनिक जागरण का पूरी मंथली का एनालिसिस होता है, वो पूरे महीने का एनालिसिस आप मतलब कि रिविजन कर सकते हैं विद इन मतलब थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करके। अभी तो क्या है, वीडियो आप मतलब स्लो मोड पर देख रहे हैं जैसे नॉर्मल मोड पर, नीचे मतलब यूट्यूब के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है, वहां पर क्या है वीडियो को फास्ट करके आप लोग उसको देख लिया कीजिए, मतलब जैसे पूरे वीक के सुन लिया कीजिए या फिर पूरे मंथ के एक बार सुन लिया कीजिए। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स कितना टाइम लगेगा, सिर्फ से 10 से 12 घंटे लगेंगे, मतलब एक दिन में आप पूरे एनालिसिस सुन सकते हैं और उनको अच्छे से याद कर सकते हैं और उसको थोड़ा फास्ट कर लिया कीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वो हटा दीजिए, वो मत देखिए, उनको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लिया कीजिए। तो इससे आपकी बहुत बेहतरी होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके मेंस के आंसर, आपको मेंस के आंसर जो है, जैसे भी मैं आपको कहता हूँ कि फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अभी आप लोग कमेंट करते हैं, कोई 10-2 लाइनें लिखता है, कोई 5 लाइनें लिखता है, कोई 4 लाइनें लिखता है, अभी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या है, थोड़े दिनों में मैं मेंस का आपको एक क्वेश्चन दिया करूंगा, अभी नहीं दूंगा लेकिन विद इन 1 और 2 मंथ में आपको मेंस का एक क्वेश्चन दिया करूंगा। फिर मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप 10 मिनट के अंदर लिख कर लाइए। पहले आपको दिया जाएगा कि ठीक है आप जितने मर्जी मिनट में लिखिए लेकिन इस क्वेश्चन को लिखिए। फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि 10 मिनट के अंदर आप जितना कुछ लिख सकते हैं वो लिखिए और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा कि मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर पे चेक नहीं हो पा रहे तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा कि आप लिंक के अंदर अपनी फोटो पोस्ट कर दिया कीजिए, उससे क्या आपका आंसर दूसरे भी चेक कर पाए और ताकि मैं भी आपका चेक कर पाऊं और वहीं पर आपको मैं मार्क्स भी अलॉट करवा दूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा किया जाए तो मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन आप लोग ये जो आंसर जरूर याद रखा कीजिए, जो कमेंट जरूर किया कीजिए, जो पहला काम अभी जो फर्स्ट स्टेज है वो जरूर कीजिए। जैसे कि आपको पता है अगर आईएएस का एग्जाम देना है या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज का, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का, पहले प्री क्लियर करना पड़ता है, फिर मेंस क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू। फ्रेंड्स उसी तरह से भी आपका प्री वाला फेज चल रहा है, तो आप लोग जो मैं कहता हूँ वो कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए 30 गांव के अंदर ये 5000 किसान उनसे ये पराली खरीद रही है, एक फैक्ट्री लगाई हुई इन्होंने, एक इंडस्ट्री लगाई हुई है अबोहर के पास। अबोहर पंजाब के अंदर एक शहर है, एक सिटी है, वहाँ पर उन्होंने क्या है 50 करोड़ रुपए से इन्होंने एक फैक्ट्री शुरू की है जिसके अंदर की ये पराली डालते हैं और पराली से बिजली उत्पन्न करते हैं। अभी बिजली 6 रुपए 30 पैसे के हिसाब से उत्पन्न करके बेच रहे हैं और जो पराली है वो क्वांटल 127 रुपए क्वांटल दिया जाता है। ये देख लीजिए 127 रुपीज क्वांटल खरीदी जा रही है पराली और एक साल के अंदर 70 से 80 हजार टन पराली, मतलब आसपास के 30 गांव की पराली तो ये अकेले खरीद रहते हैं। अगर ऐसी इंडस्ट्री लग जाए, 5 इंडस्ट्री लग जाए पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, तो फिर पराली की समस्या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अभी ये क्या करें कि सरकारों को इनका साथ जरूर देना चाहिए। सरकारें भी कहें इनसे 6 रुपए 30 रुपए में बिजली खरीद रही है, अगर सरकार इस बिजली का मूल्य 7 रुपए कर दे तो ये पराली और ज़्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि अभी इंडस्ट्री बिल्कुल छोटी है। और दूसरा क्या है, जो ईंट के भट्ठे हैं आप लोगों ने सुना होगा, जो कीलन सोरते हैं, इंग्लिश में बता देता हूँ कीलन्स, और जो ईंट के भट्ठे हैं उस पर क्या है उनके भी पराली जलाई जा सकती है। वहाँ पर ये कोयला हर साल 20 टन कोयला जलाता है एक भट्ठा, अगर वो भी उसके साथ कुछ पराली का यूज़ करे तो कोयले की खपत कम होगी, उससे क्या उनकी लागत भी कम होगी और ईंटों का थोड़ा रेट नीचे जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं पर्यावरण को बचाने के बारे में, तो आप लोग ये कहीं भी आंसर के अंदर लिख सकते हैं, इन चीज़ों को याद रखा कीजिए। और 6 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादित हो रही है, मतलब आप लोग कोयले से हटकर बिजली इस तरह से भी उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी मीटू अभियान के अंदर बॉलीवुड में कोहरम मच गया है। देखिए आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स जैसे जैसे लोग सामने आ रहे हैं, बिपाशा बसु ने कहा है कि मेरे साथ भी बदतमीजी हुई, और भी कई हीरोइंस हैं जिन्होंने साफ कहा है कि मेरे साथ अगर मुझे रोल दिलवाना था तो मतलब डायरेक्टर ने ये कहा है, प्रोड्यूसर ने मुझसे इस चीज़ की सेक्सुअल डिमांड किया है। तो अभी उन सभी को क्या हो रहा है कि जो ये मान लीजिए लड़कियाँ, ये जो भी गर्ल्स हैं, जो भी वुमेंस हैं, वो उन पर आरोप लगा रही हैं। और इसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या चल रहा है कि जो लोग जिनको लगता है कि ये सही आरोप है तो उनको मूवी से बाहर किया जा रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हाउसफुल 4 है, आप लोगों ने सुना होगा हाउसफुल, जब आप हाउसफुल का कभी अपने हाउसफुल मूवी है 1, 2, 3 आई उसकी, जब आपने वो देखी होगी तो आपने एक साजिद नाडिड वाला एक नाम सुना होगा साजिद, तो उसने उस पर भी ये आरोप लगे और उन्होंने हाउसफुल 4 ने कह दिया कि इनको मूवी से बाहर कर दो, इनको मूवी से बाहर कर दिया गया, अब ये मूवी के प्रोड्यूसर नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ है कि लोग भी एक्सेप्ट करें कि हाँ कोई लड़की सामने आ रही है और किसी ने गलत किया तो लोग उसको कहें कि भाई ठीक है तूने गलत किया तो तेरे साथ भी गलत होना चाहिए। तो अभी और भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सामने आएंगी। आमिर खान ने एक मूवी छोड़ दी इसी बात में आकर, टी सीरीज के जो प्रमुख है उन पर ये आरोप लगा कि उनके उन्होंने भी किसी लड़की से सेक्सुअल डिमांड किया है, सेक्सुअल फेवर की डिमांड किया है। तो आमिर खान ने ये सुनकर उनकी मूवी छोड़ दिया, मुगल नाम की एक मूवी उन्होंने छोड़ दिया। तो बड़े बड़े एक्टर्स ये कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड अगर ये रहेगा
तो आने वाले 5 से 7 सालों में जिसके पास मतलब जो एक्टिंग कर सकता है, जिसकी एक्टिंग में स्किल है या जिसके पास स्किल्स एक्टिंग करने की, सिर्फ वही आगे आ पाएगा। कोई अपना शरीर बेचकर आगे हीरोइन नहीं बन पाएगी और कोई उनसे सेक्सुअल फेवर की मांग भी नहीं करेगा, मतलब लड़कियों को खरीदा बेचा भी नहीं जाएगा बॉलीवुड के अंदर। भी आपको पता है कि बहुत सारी हीरोइंस हैं, हीरोइंस बनने के चक्कर में मतलब बहुत कुछ गलत कर जाती हैं, और जो एक स्किल वाला बंदा होता है, जो जिसके पास स्किल होती है एक्टिंग की, वो पीछे रह जाता है शायद। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए कि एक बंदा ए है और एक बी है, दोनों वुमेन्स हैं, दोनों लड़कियां हैं। ये लड़की के पास स्किल है, एक बहुत मतलब कि इसके पास स्किल, इसकी बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। बी दिखने में खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब ये उसकी डिमांड, जो डायरेक्टर ने डिमांड की उसने ये पूरी कर दी, तो इसको रोल मिल जाएगा, इसके रोल नहीं मिलेगा। तो ए यार बहुत मेहनती थी, एक रोल मिलना चाहिए था ना, तो वो भी आने वाले टाइम में बहुत सुधार होने वाले हैं। तो मी टू के साथ मैं बिल्कुल मतलब एग्री करता हूँ। शायद जब ये आया था मी टू, तो मुझे लगा था कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन अभी मी टू बिल्कुल सही चल रहा है, तो मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप लोग बताइए कि इसके साथ एग्री हैं या नहीं है, आप लोग अपने विचार प्रकट कीजिए। और मी टू के बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आएगा, तो इसके बारे में जितना हो सके पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए। वहां पर पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा, वहां पर समझा हुआ काम आएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है वो समझाता हूँ कि इसका मतलब ये है, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, ये नुकसान होगा। मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ लाइन टू लाइन, मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाता। और नेक्स्ट ये देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो बच्चे लाइन बनाकर जा रहे हैं, ये एक स्कूल नहीं है, ये एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पर क्या है, पिछले दिनों रैगिंग हुई थी, बच्चों के सर मतलब कि सर से बाल उड़ा दिए, सबको गंजा कर दिया था, 33 बच्चों को गंजा कर दिया था। वो हेड पे वो न्यूज़ लाइन वो न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन के रूप में आई थी। तो अभी भी इनके साथ रैगिंग हो रही, इनको बोला कि आप लाइन में आए, सर झुकाकर चलिए। देखिए कि ये सर झुकाकर चल रहे हैं, तो एक मतलब इंडिपेंडेंट भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर लोग सर झुकाकर चले, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो इन पर लगाम लगानी चाहिए। छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है, तो आप ये भी कहीं आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कि भारत के अंदर स्कूल में मिले अंग्रेजों के जमाने की दर्जनों राइफलें, ये 1910 और 1911 की राइफल्स वहाँ पर जमा पड़ी थी। मतलब आप 2018 आ गया, मतलब 100 साल से ऊपर हो चुका है, और वहाँ पर दो कमरे एक स्कूल के अंदर वो अभी तक बंद पड़े। मतलब ऐसा तो बहुत कुछ पड़ा इंडिया के अंदर जो फिर हमने देखा ही नहीं है, तो ये कितनी लापरवाही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही ही है कि वो लोग इस ध्यान नहीं दे पा रहे। मतलब 100 साल बाद वो उन्होंने निकाले हैं, वहाँ पर क्या 100 कारतूस, 125 कारतूस, 100 खोखे और दर्जनों राइफल्स निकली हैं। तो इसमें बात क्या की जा रही है कि ये कोई आतंकवादी संगठन ने नहीं रखी, ये जब 1910-11 में वहाँ पर एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी तब यूज़ की जाती थी, और बाद में ये इनको एक रूम के अंदर बंद करके रख दिया गया, फिर जो मतलब आज़ादी की मुहिम चल पड़ी और फिर इसको कभी यूज़ ही नहीं किया गया, और तब से लेकर आज तक ये 100 साल से वहीं बंद पड़ी कमरे में। अब जाकर वहाँ पर एक कमरा खोला गया, दो कमरे खोले गए, वहाँ पर ये सारा सामान प्राप्त किया गया। तो मतलब ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी भारत के अंदर जो अभी तक नहीं निकाली गई होंगी। आप क्या सोचते हैं, ये सही है गलत है? चलिए फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट है, 2018 के सबसे चर्चित करंट अफेयर पेपर में 100% आने के चांसेस है। मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोग जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा 2018 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आप लोग जरूर देखिए वीडियो, वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसके अंदर 50 क्वेश्चन डाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। और नेक्स्ट है नदियों की शुद्ध, तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि वो लॉ आने वाला है, अभी एक्ट बनकर आने वाला है, रिवर बेसिन अथॉरिटी वाला, तो जब वो पारित हो जाता है तो फिर नदियों का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो पाएगा। अभी इसके अंदर राइटर क्या कह रहा है कि जो भी स्टेट है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट, अभी हरियाणा के पास कोई रिवर नहीं है, पंजाब के पास कोई रिवर नहीं है, तो हम लोग तो लड़ नहीं रहे हरियाणा पंजाब, तो फिर भी वाटर के लिए लड़ रहे हैं, गंगा यमुना लिंक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स यूपी के अंदर गंगा है, रिवर बहती है, तो यूपी कह रहा है कि गंगा तो हमारी रिवर है, हालांकि वो आगे तक जा रही है। इसी तरह स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं जिसके अंदर रिवर्स हैं, स्पेसिफिक कोई ऐसी भी रिवर्स हैं जो एक ही स्टेट के अंदर है, तो वो स्टेट क्या कहती है कि ये तो हमारी रिवर है। लेकिन जितने आप लोगों ने, आपको पता है पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी हो आप लोगों ने, कि जितने भी संसाधन हैं वो देश के नागरिकों के हैं। मतलब ये नहीं है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, तमिलनाडु, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी देश के अंदर संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो देश के नागरिकों के हैं, उनका उन पर देश के नागरिकों का हक है, ना कि किसी राज्य का, किसी पर्सनल बंदे का। तो ये किसी राज्य की संपत्ति नहीं है, तो रिवर्स का पानी आपस में बांटना चाहिए, जिस राज्यों को पानी की जरूरत है उनको देना चाहिए, और रिवर लिंकिंग जरूर होनी चाहिए कि एक रिवर को दूसरे रिवर से जोड़ा जाए। कोई 12 मासी नदियां होती हैं, तो कोई मानसूनी नदियां होती हैं, जो मानसून नदियां उनको उनमें सिर्फ सिर्फ मानसून का पानी आता है, और जो 12 मासी नदियां उनमें उनके अंदर जो पूरा साल पानी रहता है, तो जो इन सभी नदियों को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जब इस नदी में ज़्यादा पानी हो तो वहाँ पानी भेजा जा सके, जब उधर ज़्यादा हो तो इधर आ मंगवा सके। तो आप लोग बताइए कि रिवर लिंकिंग के बारे में, रिवर्स को आपस में जोड़ने के बारे में आपका क्या विचार है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ मुझे बताइए। चाहे आप 4 लाइन्स लिखिए, चाहे 2 लाइन्स लिखिए, तो अपने विचार जरूर रखा कीजिए कि सर मुझे ये लगता है कि नदियाँ पर्सनल प्रॉपर्टी है, जैसे किसी राज्य की नदी तो उसी को पानी मिलना चाहिए या फिर उनको पानी बांटना चाहिए। तो आप अपने विचार जरूर लिखा कीजिए, आपको एग्जाम जब आप मेंस के अंदर बैठेंगे तो ये जो आपके लिखे हुए विचार ही आपको वहां पर याद आएंगे, मेरा पढ़ाया हुआ आपको ठीक है, आपके विचारों को जरूर मैं बना सकता हूं, डेवलप कर सकता हूं, लेकिन
कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद हाथ से लिख के देखते हैं, जब आप कमेंट कर देते हैं तो आपको याद रहेगा। वैसे मेरी बताई हुई बातें आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत बहुत बातें एक एक बात चार चार बात बताता हूँ, और जो डेली सुनता है उसको पता है कि मैं वही बातें रिपीट करता रहता हूँ। अभी जैसे ये नदियों के बारे में आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल फिर सारी चीज़ें रिपीट करवा दूंगा। अभी ये सस्ते पेट्रोल और डीजल की उम्मीद नहीं है अभी तक। ऐसा क्यों है? अगर सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाने से रोकती है तो किसी न किसी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले जो हम पाउंड्स के अंदर, जो आपको पता है कि ब्रिटिश का पाउंड है, उसके अंदर जो जो सारा जितना भी एक मिनट फ्रेंड्स वन सेकेंड जितना भी ट्रेड किया जाता था, ये सारा ट्रेड ब्रिटिश पाउंड के अंदर किया जाता था। बाद में यूएसए आया, यूएसए ने कहा कि हमारा अमेरिकी डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग है। और यूएसए क्यों आया? क्योंकि उस टाइम ये था कि जो जिनके पास सोना ज़्यादा है, गोल्ड, जिनके पास गोल्ड ज़्यादा है, वही जो ट्रेड के लिए, वही व्यापार के लिए, वही करेंसी चलेगी। तो यूएसए ने कहा कि हमारे पास इतना गोल्ड है कि आप जितने मर्जी डॉलर ले आइए, हम आपको उतना सोना दे देंगे। तो यूएसए के पास सबसे ज़्यादा सोना है। तो यूएसए के अभी उससे क्या हुआ कि यूएसए जो अब यूनिवर्सल डॉलर, यूएसए का यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो गया। अभी जितना भी ट्रेड आपको पता है कि इस डॉलर की वजह से चलता है, तो आपको समझ आया कि यूएसए का डॉलर क्यों चलता है, क्योंकि यूएसए ने वादा किया कि आप हमारे पास जितने मर्जी डॉलर ले आइए, कोई लिमिट नहीं है, जितने डॉलर ले आएंगे उतने डॉलर का हम आपको गोल्ड प्रोवाइड करवा देंगे। तो यूएसए के पास बहुत ज़्यादा सोना है। यूएसए के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, जो यूएसए का रिजर्व है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना पड़ा है, तभी तो डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद क्या हुआ, अभी यूएसए के बाद जो तेल का भंडार भी बहुत ज़्यादा है, एक तो यूएसए के बाद खुद तेल का भंडार है, दूसरा जो तेल का भंडार है वो सऊदी अरब के पास या फिर ओपेक कंट्रीज के पास। अभी यूएसए ने क्या सोचा कि अभी मेरे पास तेल है, लेकिन मैं तेल की कीमत बढ़ा दूंगा, लेकिन सऊदी अरब वाले तेल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको तो फायदा लेना है। तो इन्होंने क्या कहा कि आपके पास मिलिट्री नहीं है, आपको मैं मिलिट्री प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपके कोई भी अटैक करेगा तो मैं आपकी सिक्योरिटी करूंगा। तो ओपेक कंट्रीज को यूएसए ने इस एक एग्रीमेंट कर लिया कि आपके कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपके जितने भी तेल के रिजर्व हैं वो आप यूएसए डॉलर में भेजा कीजिए और हमसे पूछ के जो रेट डिसाइड कीजिए। तो वो कंट्रीज एग्री कर गई। तो अभी जितना भी तेल का व्यापार चलता है, कच्चे तेल का व्यापार है, वो सारा यूएसए की देखरेख में चलता है। तो सारे जो सारे डिसाइड करता है प्राइस, वो कौन डिसाइड करता है? यूएसए। तीसरी तरफ है ईरान। अभी ईरान भी तेल का प्रोड्यूसर है, ईरान पे सैंक्शन लगा दिए यूएसए ने कि कोई ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, तो अभी रेट और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईरान फिर तेल बेच नहीं पाएगा। लेकिन भारत कहता है कि हम ईरान से तेल खरीदेंगे और हम यूएस डॉलर में नहीं पे करेंगे, हम अपने रुपीज़ के अंदर पे करेंगे। रुपीज़ के अंदर पे करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? रुपीज़ के अंदर हम पे करेंगे तो हमें डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं है और हमें तेल थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। अभी दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जब 2014 के अंदर मोदी जी जीत कर आए थे, तभी जो कच्चे तेल की जो बैरल थी वो 116 रुपये बैरल थी, उसके $116 थी एक बैरल की कीमत। उसके बाद जब 2016 के अंदर उसकी कीमत कितनी आ गई? $26 प्रति बैरल। मतलब देख सकते हैं आप कितना फ़र्क हो गया। लेकिन हमें पेट्रोल की डीजल के प्राइस कम की नहीं किए गए, क्यों? क्योंकि सरकारें हमसे फ़ायदा उठा रही थी। इसमें इसके अंदर दिया गया है कि सरकारों ने करोड़ों रुपीज़, मतलब ये देखिए, राज्य सरकारों ने 1,37,517 करोड़ रुपए 2014-15 के अंदर कमाए टैक्स से। देख सकते हैं एक साल के अंदर इतना टैक्स, 1,37,517 करोड़ रुपए, और राज्य सरकार ने कितने कमाए? 18,326 करोड़ रुपए। तो आप इतने इतने पैसे इन्होंने टैक्स से कमाए, मतलब 116 रुपए डॉलर था जब कांग्रेस थी, इतने रुपए बैरल था, मोदी जी के टाइम पे $26 बैरल हो गया था, लेकिन फिर भी जो सरकारों ने तेल के दाम नहीं घटाए। तो देख सकते हैं कि हमें महंगा तेल बेचा जाना पड़ा। अभी भी फ्रेंड्स पीछे से तेल थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन जो राज्य सरकारें और जो सेंटर की सरकारें हैं, ये अपना सा थोड़ा टैक्स कम कर दें, अपना इनका जो राजस्व है वो कम कर दें, तो अभी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन सरकारें ऐसा करती नहीं, क्योंकि आम आदमी को पीसना है सरकारों ने। अभी मान लीजिए जो MLA MPs हैं, उनको तो क्या है, सरकारी तेल मिलता है, उनको तो अलाउंस मिल जाते हैं, लेकिन आम आदमी को अलाउंस कहाँ से मिलेंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ सारा पेट्रोल और डीजल का सारा तामझाम है, ये जो है सरकारों के हाथ में, अगर ये चाहें तो ये इसको कम कर सकते हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम नॉर्मल हो सकते हैं, आम आदमी को राहत मिल सकती है। तो ये सारी की सारी गलती सरकारों की है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, शाह की रथ यात्रा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ब्रिटेन को भी सीखना है भारत से कुछ। तो अभी ब्रिटेन की एक कंपनी है, वो भारत के अंदर आ रही है, भारत से, मतलब कि वो भारत के अंदर एक स्टार्टअप शुरू करेगी, वो उसका नाम है फिनटेक, कोई कंपनी है फिनटेक, वो ब्रिटेन की कंपनी है। तो भारत के अंदर आ रही है, भारत के अंदर वो जॉब्स प्रोवाइड कराएगी और भारतीयों के साथ तालमेल करेगी कि भारतीय लोग अपना, जो भारतीय हैं वो किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो अप कर रहे हैं। तो अभी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ, दोनों देशों के आपस में समझौते बहुत सारे हैं, तो अभी आने वाले टाइम इसमें सारा ब्रिटिश के बारे में दिया हुआ, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री पोशाक में जेब का न होना।
अभी आपको पता है कि जेंट्स आपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी या आपकी बड़ी सिस्टर जो भी होंगे, जब आप तो मान लीजिए मॉडर्न में आ गए कि आप तो जीन्स पहनते हैं तो टॉप पहनते हैं, देख लीजिए लड़कियों के टॉप में भी क्या, जो लड़कियां आजकल मॉडर्न टॉप पहन रही हैं उनके अंदर भी पॉकेट नहीं होती, तो ऐसा क्यों? लेकिन लड़कियों की कोई भी शर्ट हो उसके अंदर जो जेब रहती है, पैंट के अंदर जेब रहती है, बड़ी बड़ी जेब्स रहती हैं। अगर लड़कियों की जीन्स की बात करें तो लड़कियों की जीन्स के ऊपर सिर्फ छोटी छोटी पॉकेट्स लगी होती है, जैसे कि उनको उसके अंदर पैसा नहीं डालने, सिर्फ शो के लिए है। तो इसमें बात यही की जा रही है कि स्त्री की पोशाक में जेब का न होना भी स्त्रियों को पीछे की तरफ धकेलता है। ये हमारी सोच का ही तो साधन है। जो पुराने टाइम में जो लड़कियां सलवार कमीज पहनती थी, ना ही तो सलवार के अंदर जो पॉकेट होती थी ना ही कमीज के अंदर पॉकेट होती थी, तो ऐसा क्यों? जो पुरुष प्रधान कपड़े थे उसके अंदर आपको पता है कि अंदर भी पॉकेट बाहर भी पॉकेट, तो मतलब इतनी सारी पॉकेट्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि लड़कियों ने कौन सा पैसे कमाने हैं, लड़कियों ने कौन सा जॉब करनी है, उनके पास कौन सा पैसा होगा। सारा पैसा तो पुरुषों के पास है, अब पुरुष प्रधान घर है तो घर के अंदर जो पुरुषों के पास पैसा होगा, पुरुष से पूछ कर ही लेडी जो काम करेगी पैसा पुरुष से पूछ कर ही यूज करेगी। तो इस वजह से जो कपड़े इस तरह के होते थे, तो अभी ऐसी ये बहुत गलत चीजें हैं। लंदन के अंदर एक स्कूल के अंदर बच्चों को जो मतलब बॉयज होते हैं उनको भी स्कर्ट पहनाई गई, ऐसा एक मतलब एक शोध की गई कि ऐसा किया जाए। लेकिन वो उस क्या हुआ था कि उसके अंदर जब पॉकेट नहीं थी तो उनको पैसे ले जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, उनको बैग के अंदर पैसे रखने पड़ते थे। तब इन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ इतना अन्याय फिर क्यों? हालांकि अभी थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन शुरू से ये एक मतलब लड़कियों के साथ बहुत गलत होता रहा। तो आप इसको भी आंसर में लिख सकते हैं, ये आपको एक पॉजिटिव पॉइंट दिलवाएगा, जहां पर अगर आपको मान लीजिए 12 मार्क्स मिल जाएंगे वहां पर आपको फिर ये 14 या 15 मार्क्स दिलवा देगा ये पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स लिखा कीजिए जो दूसरे नहीं लिखेंगे। हर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, जितने भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं हर एक बंदा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, पहली बात। दूसरी बात, हर एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा ठीक है, उसने देख लिया ये ऊपर पढ़ दी हेडलाइन, इसके अंदर क्या लिखा, आपको उसको आंसर में कैसे डाल सकते हैं उसको नहीं समझ आएगा। तो तीसरी बात यह है कि उसने स्पोर्ट्स वाला पेज देख लिया, फ्रंट पेज में न्यूज़ देख ली। तो फ्रेंड्स मैं आपको जिस तरह से करवाता हूँ, मैं आपको कई आपको लगता है कि सर इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो छोड़ देते हैं, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं जो मैं छोड़ता हूँ, जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट देख लीजिए, नारी सशक्तिकरण के बारे में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ये आप लिख सकते हैं, मुसीबत आई तो साथ से शक्ति स्वरूपा बन गई है नारियाँ। तो इसने बेटी को बचाने के लिए तेंदुए पर झपट पड़ी सुनीता, तो ये अपनी बेटी को बचाने के लिए तेंदुए के साथ लड़ गई। अभी आप लोगों को पता है कि तेंदुए से भिड़ना कितना मुश्किल है, ये भी तेंदुए से लड़ गई, ये बाघ के साथ लड़ाई की इस लेडी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए, इन्होंने अपने भाई की जान बचाई किससे, इन्होंने तेंदुए से जान बचाई, ये लकड़ बग्घे से भिड़कर अपनी बेटी को बचा लाई। तो देख सकते हैं आप कि माँ कितनी स्ट्रांग होती है, वुमेन कितनी स्ट्रांग है, मतलब कि जिस जानवर के साथ हम लड़ने के बारे में सोच नहीं सकते, तेंदुआ लकड़ बग्घा बाघ, आप सोच सकते हैं कि आम बंदा इनसे भिड़ने के बारे में सोच नहीं सकता, और लड़कियाँ इनसे भिड़कर मतलब कितना इन्होंने अपनी बेटियों को बचा लिया। पहला बेटी या बेटे के प्रति इनका प्यार, दूसरा इनका साहस देखिए। और अगर ये लड़कियाँ मतलब साहसी हो जाएं तो जो लोग रेप करते हैं, जो लोग यौन शोषण करते हैं, उनका तो ये मार मार कर मुंह तोड़ सकती हैं लड़कियाँ। ये लेडीज इतनी स्ट्रांग होती हैं, जो शेर को हरा सकती हैं वो मतलब और क्या नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ वो चुप रहती हैं। किस वजह से? समाज की वजह से, क्योंकि समाज हमारा बेवकूफ़ है, समाज को बिल्कुल अकल नहीं है, वो इनको ही गलत समझता है। जब ये कुछ किसी के खिलाफ आवाज़ उठा देती हैं तो वो इनके चरित्र पर उंगली उठाने लग जाता है। तो समाज को बिल्कुल मतलब की अकल नहीं है, तो समाज की परवाह किए किए बिना आज की लड़कियाँ बिल्कुल फ्रैंक घूमती हैं। और मैं उन लड़कियों को रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि ठीक है यार, आपको समाज से क्या लेना देना है, समाज वाले क्या सोचते हैं इसके बारे में आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, आप अपनी निगाह में ठीक है, आप पेरेंट्स की निगाह में ठीक है, समाज से आपको कुछ लेना देना नहीं है, समाज कुछ नहीं करेगा। आप कोई भी कानून अपने हाथ में मत लीजिए, लेकिन आप कानून की निगाह में ठीक रहने चाहिए, अपनी निगाह में ठीक रहने चाहिए और अपने पेरेंट्स की निगाह में ठीक रहने चाहिए। बात इतनी खत्म हो जाती है, तीसरे बंदे से या चौथे बंदे से आपको कोई लेना देना नहीं है। चलिए ये अच्छी बात है। और फ्रेंड्स दूसरी एक और बात बताता हूँ, पॉजिटिव चीज़ आपको लाइफ में काम आएगी, पहले भी एक दो बार मैं बताने की सोच रहा था। फ्रेंड्स अगर आपको सोचते हैं कि आपके सामने कोई शेर आ जाए या फिर कोई बाघ आ जाए, अगर आप उससे घबराएंगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका मुकाबला करेंगे तो डरकर भाग जाएगा। जिस तरह कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाए आप घबरा जाते हैं, उसी तरह से शेर के सामने बाघ के सामने अगर इंसान चला जाए तो वो भी घबरा जाता है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है, आप भी उसका मुकाबला कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो लेक्चर थर्ड है ये HPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पुलिस की तैयारी करें तो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या है, हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया, कौन सी योजना कब लागू की गई, किस मंत्रालय के अंदर है, सारी चीज़ अच्छे से करवाएंगे। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिए। और अगर आपको सभी लेक्चर देखने हैं तो हरियाणा HSSC नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर हरियाणा पुलिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप लेक्चर जरूर देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्स के अंदर हरियाणा की काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन है, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ लीबिया, और लीबिया किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, फ्रेंड्स जरूर नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इसके बाद तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट्स योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।